हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आई। आज हम बनाने वाले होली स्पेशल सूजी मावा गुजिया। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। खासकर ये त्योहारों में गुजिया ज़रूर बनाए जाते हैं, तो हम भी बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए भी गुजिया बनाना इजी हो जाएगा। तो चलिए हम गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं मैदा ले ली हूँ, ये 1/2 kg मैदा है। तो अब मैं इसी मैदा में ही 1/2 कटोरी घी डालूँगी। तो ये हमने घी ले लिया है, ना ही ये घी पूरी तरह से मेल्ट है और ना ही ये पूरी तरह से जमा है। तो मैं इस तरह से इसमें घी डाल दूँगी। 1/2 कटोरी घी डाल देंगे हम और घी डाल के इसको अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिला ले रहे हैं। तो हम इसी तरह से घी को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं मैदा में। तो आप इसको देखिए, मैं इसको अच्छे से घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, अच्छे से मिला ली हूँ। तो आप देखिए हाथ से ये बाइंड भी हो रहा है। तो अब मैं इसी में ऐड करूँगी ये पानी। तो हम एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये हमारा डो गीला हो जाएगा। इसके लिए हमें सख्त डो लगाना है। तो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो हम बिल्कुल इस तरह से 2-2, 3-3 चम्मच पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर ले रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये हम इसको इस तरह से अच्छे से इसको मसल मसल के 4-5 मिनट तक अच्छे से इसको हम मसल मसल के इसको सान लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने डो तैयार कर लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। अभी हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, कढ़ाई को हम गर्म होने दिए। इसी में मैं ऐड कर दूंगी घी। तो मैं इस तरह से 3 चम्मच घी डाल देती हूँ। तो अब ये घी गर्म हो गया है, इसमें मैं ये काजू डाल देती हूँ। ये मैंने 12-15 काजू लिए थे, उसको बारीक कट कर लिए। आप चाहें तो बिना काटे भी उसको फ्राई कर सकते हैं, बाद में कट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं 12-15 आलमंड ले ली हूँ और ये 10-15 पिस्ता है ये। तो ये सब डाल के हम इसको अच्छे से इस तरह से घी में अच्छे से इसको भून लेंगे। जैसा कि मैं आपको बताई, आप डायरेक्ट काजू बादाम पिस्ता को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं इस तरह से घी में, आप बाद में उसको कट कर सकते हैं। तो मैं इसको कट करके ही घी में रोस्ट कर ले रही हूँ। तो आप ये देखिए, ये हल्का सा रोस्ट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इस तरह से प्लेट में निकाल ले रहे हैं हम। तो हम इसी तरह से इसको पूरा निकाल ले रहे हैं। अब हम इसमें जो हल्का घी बचा हुआ है, इसी में ये 1/2 कप में कोकोनट पाउडर डाल देती हूँ, जिसे हम नारियल का चूरा कहते हैं। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, इसको भी हम बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और हम वो फ्लेम को ध्यान रखना है, हमें लो ही रखना है, क्योंकि ये कोकोनट जल्दी से ही इसका कलर चेंज हो जाता है। तो बस इसको हम एकदम लो फ्लेम में ही इसको हल्का सा भून लेते हैं। तो देखिए, मैं इसको आपको पास से दिखा दे रही हूँ, नारियल का कलर भी चेंज हो रहा है। तो अब हम इसी स्टेज में इसको निकाल लेते हैं। मैं इसको इस तरह से प्लेट में निकाल दे रही हूँ। तो ये पूरा निकाल दे रही हूँ। अब हम इसी कढ़ाई में इस तरह से 1 चम्मच घी डालेंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप सूजी डालूंगी, ये बारीक वाले सूजी हैं। तो सूजी को भी हम अच्छे से इस तरह से लो फ्लेम में इसको सूजी को भी
भून ले रहे हैं, सूजी का भी कलर चेंज कर ले रहे हैं। अब ये देखिए सूजी का भी कलर चेंज हो गया, सूजी भी बहुत अच्छे से भुन गई है। मैं गैस का फ्लेम को ऑफ करती हूँ और सूजी को भी हम इस तरह से प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो मैं सूजी को भी निकाल देती हूँ। अब हम इसी कढ़ाई में ये खोया डाल देते हैं। ये खोया हमारा 400 ग्राम खोया है, ये एकदम शुद्ध खोया है घर का। तो ये खोया को भी हम इस तरह से गरम कर लेंगे। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है, ये हमारा कढ़ाई काफ़ी गर्म है इसलिए हम इसी में ही इसको गर्म कर ले रहे हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लिए हैं और खोया को अच्छे से हम गरम कर लेते हैं। तो अभी मैं इसी में डालूंगी ये इलायची पाउडर, 1 चम्मच इलायची पाउडर है, और इसी के साथ मैं डालने वाली हूँ इसमें किशमिश। तो ये डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। किशमिश को मैंने घी में रोस्ट नहीं किए, तो ये किशमिश बहुत जल्दी क्या होता है फूलने लग जाते हैं। तो अब इस तरह से हम इसको 1-2 मिनट तक अच्छे से इसको गर्म कर ले रहे हैं। अब ये देखिए इसको हम लगातार इस तरह से चलाते रहें, ये तो खोया क्या होगा इस बर्तन में लगने लग जाएगा। अब मैं इसी में डालूंगी ये 1/2 कप से ऊपर है चीनी, चीनी के मैंने पाउडर बना लिए थे। और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हम चीनी भी डाल के अच्छे से इस खोया में चीनी हमारा मिक्स हो जाएगा बढ़िया से। तो आप ये देखिए चीनी हमारा इसमें मिक्स हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसमें हम जो हमने ड्राई फ्रूट को फ्राई करके रखे थे उसको डाल देते हैं। तो हम सारे ड्राई फ्रूट उसमें डाल दे रहे हैं और इसी में हम ये कोकोनट और सूजी भी जो रोस्ट करके रखे थे इसको भी डाल देते हैं हम। तो ये सब डालने के बाद इसको हम अच्छे से इसको मिला ले रहे हैं। तो आप ये देखिए ये हमने सब कुछ मिला दिए हैं जो हम रखे थे, सूजी, डेसिकेटेड कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसको एक बोल में निकाल ले रहे हैं। अब हम चलिए आटा को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको मैं अच्छे से इस तरह से फिर से 1 मिनट तक अच्छे से इसको मसल लूँगी। तो हम इस तरह से इसको अच्छे से मसल ले रहे हैं। तो आप ये देखिए मैं आटा को अच्छे से मसल ली। अब मैं इसमें से छोटे छोटे इस तरह से लोई बनाऊंगी। तो हम इस तरह से एक एक उठाएंगे और दोनों हाथों के बीच में रख के इसको इस तरह से चिकना करके तो इसका हम ये लोई तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम थोड़ी सी लोई बना ले रहे हैं, फिर हम इसको बेलेंगे। तो हम इसी तरह से जैसा कि आपको बताइए दोनों हाथों के बीच में रख के इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो आप ये देखिए मैंने सारे इस तरह से लोई पेड़े जैसे बना लिए हैं। अब हम एक चकला ले लेते हैं। तो ये मैं चकला ले ली हूँ एक, और इस तरह से मैं एक एक ये लोई उठाऊंगी पेड़े जैसे जो है, और हम बाकी के इस तरह से ढक करके रख देंगे। तो अब ये देखिए मैं इस तरह से ले ली हूँ लोई, और इसको मैं मैदा में लगा ली हूँ हल्का सा। अब मैं इसको बेल लूँगी, मैं इसको पूड़ी जैसा बड़ा बेलूंगी थोड़ा। तो इस तरह से मैं इसको उठा उठा के बेलूंगी। तो हम इस तरह से इसको बेल ले रहे हैं। अब मैं ये गुजिया वाला ये सांचा ले ले रही हूँ, ये प्लास्टिक का सांचा, ये तो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। अब मैं इसी में स्टफिंग डालूंगी। तो मैं ये इस तरह से 1 चम्मच स्टफिंग डालूंगी, हमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालना है नहीं तो ओवर के खातिर ये गुजिया हमारा खुलने लग जाएगा। अब मैं इसमें ये पानी लगा लूँगी। तो इस तरह से मैं साइड साइड से पानी लगा ले रही हूँ, तो ये अच्छे से पैक हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से दबा लेंगे और इसका जो भी ये एक्स्ट्रा निकला है इसको हम निकाल ले रहे हैं। अब इसको हम खोल के देखिए
ये मेरा कितना बढ़िया गुजिया बना है। अब मैं इसको खोल के एक प्लेट में रख ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं अभी इसी प्लेट में रख रही हूँ, तो मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। तो आप ये देखिए, इसी तरह से हम ये एक ले लेंगे लोई और सूखा मैदा में इसको लगा लिए हैं। और मैदा हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, बस अब इसको हम बेल लेंगे। तो इस तरह से हम इसको बेलेंगे, जैसा मैं आपको बताई थी। तो हम इसी तरह से ही सारे ही बनाएंगे सेम इसी से। बस इसको हमें थोड़ा सा उठा उठा के इसको बेलना है। तो अब ये हम बेल लिए हैं। अब मैं वापस से इसमें रखूंगी गुजिया के सांचा में। अब मैं इसमें स्टफिंग डालूंगी। तो ये एक चम्मच जैसे मैं स्टफिंग लूंगी। तो ये स्टफिंग हम रख लिए हैं। अब मैं इसमें पानी लगाऊंगी। इस तरह से साइड साइड से हम पूरा पानी लगा लेंगे और इसको इस तरह से पैक कर देंगे और इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। और ये जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल लेंगे। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा गुजिया बना है। तो हम इसी तरह से बाकी के भी बना लेते हैं। मैं आपको एक बिना सांचे के बना के बताती हूँ। तो आप ये देखिए, मैं इसको बेल ली हूँ। मैं आपको बिना सांचे के बता रही हूँ बनाना। इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। इस तरह से हम स्टफिंग को बीच में रख ले रहे हैं। अब हम इसी में इस तरह से पानी लगा लेंगे। तो जैसा मैं आपको बताई थी, चारों साइड हम पानी अच्छे से लगा लेंगे तो ये पैक होने में आसानी रहती है। तो अब हम इसको पैक कर ले रहे हैं। इस तरह से हम इक्वल करके इस तरह से हम दोनों हाथों से, दोनों उंगली से इस तरह से इसको दबा लेंगे। तो हमें अच्छे से दबाना है ताकि ये खुले ना। हम एक बार चेक कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से दबा लिए हैं। अब मैं इस तरह से इस चकले में रख रही हूँ और एक फोक लेती हूँ। तो आप ये देखिए, मैं एक फोक ले ली हूँ। इस तरह से फोक लेके इसमें हम डिज़ाइन बना देंगे। अगर आपके पास गुजिया का सांचा नहीं है तो है, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो हम इस तरह से डिज़ाइन बना लिए। तो हम बैक साइड भी इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा हाथ से भी बनकर तैयार हो गया। तो अब हम सारे गुजिया बना लेते हैं, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। तो आप ये देखिए, मैंने सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लिए। अब चलते हैं इसको हम फ्राई करने की तरफ में। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, इसमें मैं ऑयल डाल दी हूँ। तो ये ऑयल हम गर्म होने दे रहे हैं। तो आपको मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया। हमने गैस का फ्लेम को हाई ही रखा है। अब हम इसी में गुजिया डालेंगे। तो हम जितना ऑयल में जगह हम एक सारा खूब सारा गुजिया डाल देंगे। तो हम ये डाल देते, जितना हमने बनाया सब हम डाल देंगे। तो हमें इसको दो दो करके फ्राई नहीं करना है, नहीं तो तेल का जो टेम्परेचर है ये हमारा हाई रहेगा। तो हम इस तरह से देखिए, मैंने काफ़ी सारे गुजिया डाल दिए हैं और अब हम फ्लेम को लो कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको हिला दिए। तो इसमें जितना जगह था हमने सारे गुजिया डाल दिए। अब इसको बिल्कुल हम हल्का हल्का से इस तरह से हल्का हल्का हिला लेंगे। तो इसको भी हम, अगर हम एक एक करके फ्राई करते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता, जल्दी ये लाल हो जाता। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारे गुजिया डाल दिए। तो ये इक्वली एक जैसा ही फ्राई होगा ये। तो अभी हम इसको फ्राई होने देते हैं और गैस का फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही कर दिए हैं। तो हम हल्का हल्का इसको टर्न कर देते हैं। तो इस तरह से इसको टर्न कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमें एक साथ काफ़ी सारे गुजिया इसलिए डालने हैं कि ये जो ऑयल का जो टेम्परेचर होता है ना, वो इक्वली रहे। अगर हम इसमें 2-3 गुजिया एक एक बार में फ्राई करते तो क्या, जल्दी से ये लाल हो जाता। तो इसलिए हमने काफ़ी सारे गुजिया एक साथ डाले हैं और ये बिल्कुल बहुत अच्छे से क्रिस्पी होगा ये।
इसको हम फ्राई होने देते हैं, बिल्कुल हम हल्का हल्का इसको टर्न कर लेंगे बस बीच में। तो ये एक बार का फ्राई होने के लिए हमें 5 मिनट लगता है, और हम इसको हल्के ही इस तरह से टर्न करेंगे, हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करें, तो क्या होगा भुजिया हमारा खुल जाएगा, तो फिर क्या होगा पूरा स्टफिंग ऑयल में ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो हम इसको हल्के से, और आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा ऑयल में डालेंगे तो कोई भी भुजिया फटा ना रहे, नहीं तो पूरा ऑयल हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हम भुजिया डालते समय भी इसको चेक करेंगे, और जब हम फ्राई करेंगे, जब हम इस तरह से टर्न करेंगे तब भी हम एक बार चेक करेंगे। तो मैं इस तरह से इक्वली सबको उलट पुलट कर ले रही हूँ। तो अब आप ये देखिए भुजिया में से बहुत अच्छा कलर भी आ गया है गोल्डन। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, तो इस तरह से हम निकालेंगे, और ये एक्स्ट्रा ऑयल है ये निकल जाए। तो हम इस तरह से इसमें भुजिया डाल देंगे, इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। तो हम इसी तरह से सारे भुजिया निकाल ले रहे हैं। तो अब हम इस तरह से इस प्लेट में निकाल ले रहे हैं, तो हम ये सारा भुजिया निकाल ले रहे हैं। तो मैं आपको सेकंड बैच का भी इसी तरह से फ्राई दिखाती हूँ। तो अब मैं सेकंड बैच का भी इसी तरह से एक साथ सारे भुजिया डाल दूँगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि एक भी हमारा भुजिया फटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फ्राई करने में। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारा इसको डाल दिया, और इसको हल्का से इस तरह से हिला दे रहे हैं। इसको भी हम सही से कर देते हैं। अब इसको भी हम इसी तरह से फ्राई होने देंगे। तो ये आप देखिए, ये हमारा सारा भुजिया फ्राई हो गया, इसको हम एक प्लेट में निकाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसे कितना बनाना भी कितना इजी है, सूजी मावा भुजिया। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बार हम फिर से नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।